अस्सलामु अलैकुम एहसन पब्लिक स्कूल में खुश आमदीद। आज का हमारा सबक है ज़े से सीन शीन स्वात। डेट मेंशन करेंगे और सीवक लिखेंगे और अब शुरू करेंगे हम अपना काम। ज़े से सीन शीन स्वात। ज़े के ऊपर एक नुक्ता, से के ऊपर तीन नुक्ते, सीन में कोई नुक्ता नहीं होता, शीन के ऊपर तीन नुक्ते, स्वात में भी कोई नुक्ता नहीं होता। ठीक है, आपने पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। सीन शीन स्वात। इसी तरह सफाई से काम करना है, लाइंस में लिखना है आपको, नीट एंड क्लीन काम करना है आपने, बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही आपने करना है, साथ साथ पढ़ते भी जाना है। ज़े से सीन शीन स्वात। ये हो गया हमारा आज का काम। अब हमने सेम एज इट इज़ हमने होमवर्क भी यही करना है, ज़े से सीन शीन स्वात होमवर्क लिखना है, डेट मेंशन करनी है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एहसन पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 3 and 4। लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर स्कूल्स नेम, आपके स्कूल का नाम क्या है। द आंसर इज़ माई स्कूल्स नेम इज़ एहसन पब्लिक स्कूल, मेरे स्कूल का नाम एहसन पब्लिक स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है। तो जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट होगा वो आपने बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। ठीक है, अब हम प्रीवियस क्लास में जो हमने याद किए थे क्वेश्चन वो भी हम आज रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ ओल्ड आर यू, आपकी जो भी एज है आपने वो बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम 7 years old। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टैंडर्ड डू यू रीड, आंसर इज़ आई एम इन KG 1 standard। वॉट इज़ योर स्कूल्स नेम, माई स्कूल्स नेम इज़ एहसन पब्लिक स्कूल। वॉट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आपने वो बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। ठीक है, आपने ये चारों क्वेश्चन आपने याद करने, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एहसन पब्लिक स्कूल। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न parts of body names in English oral. So let's start. Number 1 is head, number 2 hair, number 3 forehead, number 4 eyebrow, number 5 eye. Read again. Number 1 head, number 2 hair, number 3 forehead, number 4 eyebrow, number 5 eye. ये आपने याद करना है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।